नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग की रिस्क जो है वो कितनी होती है। जैसे बहुत लोगों ने सुना होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में रिस्क ज़्यादा होती है। कुछ लोगों ने सुना होगा कि ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क होती है, सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क होती है। तो वो क्या होती है और वो नॉर्मल बाइंग और सेलिंग जो शेयर की होती है उससे कितनी ज़्यादा या कम होती है, तो इसको आज हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से अपना अभी SBI बैंक का काफ़ी हागुल्ला चल रहा है, तो मैं यहाँ सबसे पहले मैं एक जो है SBIN का बैंक का शेयर मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा उसके बाद में उसका यहाँ पे मैं फ्यूचर एक मैं ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने फैब का ही फ्यूचर ऐड कर दिया और अभी ये 400 के आसपास चल रहा है, तो मैं इसका 400 का कॉल और पुट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये चार चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए जो ऐड कर दी है। अब ये आज का जो है अप एंड डाउन जो मूवमेंट है वो दिखा के आज अभी आप देख सकते हैं कि अभी सुबह के 11:27 हुए हैं और आज तारीख है फरवरी 23 फरवरी को सुबह के 11:27 हुए हैं। मार्केट लाइव चल रहा है, आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। और आज मार्केट का जो प्राइस है SBIN जो है वो 1.6% अप्रॉक्सीमेटली, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, ये मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि भाई अगर आपने जो है वो शेयर में इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता, अगर ये आपने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता, और अगर आपने ऑप्शंस में इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता, और अगर लॉस होता है तो कितना लॉस होता है, कितना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अभी ये एग्जांपल से हम समझते हैं। तो देखिए जैसे ये मार्केट आज अप है, ठीक है, अभी ये मार्केट अप है लगभग 1.5-1.6%। तो अगर आपने मान लीजिए आपने शॉर्ट सेल किया होता, ठीक है, शॉर्ट सेल मतलब कि पहले सेल और बाद में आप उसे बाय करते, और मान लो आपने उसमें 1,00,000 रुपये डाला होता तो आपको कितने का लॉस होता, ठीक है। तो आपको लॉस होता लगभग 1,600 रुपये का, ठीक है। उसी तरह से शॉर्ट सेल की बजाय अगर आपने इसे बाय किया होता, वही 1,00,000 रुपये के SBIN के शेयर, तो आपको आज कितना प्रॉफिट होता, लगभग 1,600 रुपये का प्रॉफिट होता आपको, ठीक है। तो शेयर्स में जब आप बाय और सेल कर रहे हैं तो आपका परसेंट प्रॉफिट जो है वो जितना मार्केट ऊपर नीचे जाता है उतना ही होता है। तो इसलिए उसमें लोग बोलते हैं कि रिस्क है, लेकिन बहुत ज़्यादा उतनी रिस्क नहीं है जितनी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में है। अब इसमें भी देखिए दो एस्पेक्ट होते हैं। पहली बात तो बाइंग में रिस्क थोड़ी सी जो है वो कम होती है, ठीक है, और सेलिंग में रिस्क जो है वो ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है वो समझ लीजिए, जैसे कोई भी शेयर है, ठीक है, अब जैसे ये SBIN का एग्जांपल लें, तो अगर आपने बाय किया है तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, जितना अमाउंट का आपने बाय किया मतलब उसकी वैल्यू गिर के ख़त्म होके बिल्कुल ज़ीरो आ जाए, तो जितना अमाउंट लगाया वो सारा जा सकता है। लेकिन अगर मान लो आपने शॉर्ट सेल किया है, सेल किया है और इसकी वैल्यू 400 से बढ़ के मान लो 1200 हो गई, तो आपको लॉस जो है वो 400 की बजाय 800 रुपए का भी लॉस हो सकता है। तो शॉर्ट सेलिंग में हमेशा लॉस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो अब बात करते हैं ऑप्शन की, देखिए, ठीक है। अब आप ऑप्शन का प्राइस देखिए, ये प्राइस जो है वो इससे इंटरलिंक होता है। अब आप देखिए कि ये सिर्फ 1.6% चढ़ा है, लेकिन कॉल का प्राइस लगभग 35% ऊपर गया है और पुट का प्राइस लगभग 36% नीचे गया है, ठीक है। तो यदि मानिए अगर आपने ये जो है आपने 400 का पुट बाय किया होता, अगर मान लीजिए 400 का पुट अगर आपने बाय किया होता और मान लीजिए जो भी प्राइस था कि लेट्स से 11 रुपये मान लीजिए कल प्राइस था, आज वो गिर के 8 रुपये हो गया है, ठीक है। तो लगभग मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, तो लगभग मान लीजिए कि 36% जो है ये गिरा है। और अगर आपने ये 1,00,000 रुपये के अगर ये शेयर खरीदे होते, ये ऑप्शंस खरीदे होते पी के, तो आपको कितना नुकसान होता, क्या आप सोच सकते हैं? तो अगर आपने 400 रुपये का PE अगर आपने बाय किया होता 1,00,000 रुपये का, तो आपको नुकसान कितना होता आप देख सकते हैं।
आपको 36,000 का नुकसान हो जाता सिर्फ 1,00,000 के इन्वेस्टमेंट पे अगर आपने बाय किया होता है। लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी वैसे ही होता है। मान लीजिए अगर आपने ये कॉल अगर कल बाय किया होता, 400 का कॉल अगर आपने बाय किया होता तो क्या होता, ये देखिए, मान लीजिए 33% अभी दिखा रहा है, तो आपको प्रॉफिट भी 1,00,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपका प्रॉफिट भी 33,000 होता। तो लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या है कि मैक्सिमम लॉस जितना अमाउंट आपने लगाया है, ये जो आपने जो अमाउंट आपने लगाया है 1,00,000 रुपये, इस अमाउंट से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है बाइंग में। ठीक है, जो भी अमाउंट आप लगा रहे हैं उससे ज्यादा लॉस बाइंग में नहीं हो सकता। अगर आप 1,00,000 लगा रहे हैं तो पूरा 1,00,000 खत्म हो सकता है, 1,000 लगा रहे हैं तो पूरा 1,000 खत्म हो सकता है। लेकिन वो कितनी जल्दी हो सकता है ये आप देख सकते हैं। देखिए, SBI का शेयर सिर्फ 1.5% ऊपर गया है, इसका प्राइस 35% गिर गया, इसका प्राइस 31-32% चढ़ गया। तो इतने से फर्क से इनके प्राइस में इतना फर्क पड़ जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई बाइंग की। अब सेलिंग में क्या होता है, ठीक है, अब मान लीजिए आपने जो है ये 8 रुपए का एक 400 का पुट मान लीजिए आज आपने सेल कर दिया। ठीक है, ये मान लीजिए 8 रुपए के रेट पे सेल कर दिया और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है और कल को मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाता है और प्राइस जो है वो मान लीजिए एक्सपायरी अभी आज 23 तारीख है और 28 तारीख को जो है 28 फेब को एक्सपायरी है, यानी 4 दिन बाद जो है एक्सपायरी है, तो 4 दिन के अंदर अगर इसका प्राइस मान लो एकदम गिर के मान लो 350 पे चला जाता है, कोई भी कारण हो सकता है, तो इसका प्राइस क्या होगा आप सोच सकते हैं। उस समय जैसे अभी हमारा जो फ्यूचर का प्राइस है वो मान लो 400 रुपए है मान लो अभी, और 4 दिन में अगर ये प्राइस गिर के 350 रुपए हो सकता है, तो जो चीज अभी 8 रुपए की है, जो आपने 8 रुपए की बेची है, उसका रेट चढ़ के और 50 रुपए हो जाएगा। तो अगर आपको प्रॉफिट होता, यानी कि प्राइस इससे ऊपर बंद होता, तो आपको सिर्फ 8 रुपए का होना था, लेकिन लॉस जो है वो 50 रुपए का हो गया। तो आपने जितना पैसा लगाया है उसका कई गुना, मान लो अगर आपने 10,00,000 रुपए लगाया है तो उसका कई गुना लॉस आपको हो सकता है। देखिए, यानी देखिए इस केस में 6 गुना से भी ज्यादा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको जब मैं समझा रहा हूँ, सबसे पहले जब आप शेयर में ट्रेड करते हैं तो बाइंग में सबसे कम रिस्क होती है, सेलिंग में उससे ज्यादा रिस्क होती है। जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन बाइंग में रिस्क कम होती है, लेकिन इन दोनों से बहुत ही ज्यादा रिस्क होती है, वेरी हाई। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में जो रिस्क और भी ज्यादा होती है, वेरी वेरी हाई। तो आप इसको हाई बोल सकते हैं, दिस इज वेरी हाई, दिस इज वेरी वेरी हाई। इसमें यह है कि आपका लॉस जो है वो लिमिटेड है, जितना अमाउंट आपने डाला है उतने तक, ये उससे भी ज्यादा जा सकता है। बाइंग में भी आपका अमाउंट जितना डाला है उतने में लिमिटेड है, लेकिन वो बहुत जल्दी हो सकता है। मतलब इसमें ऐसे हो सकता है कि आपने जो अमाउंट डाला है वो कुछ महीनों में खत्म हो, लेकिन इसमें यह है कि जो अमाउंट आपने डाला है वो हो सकता है 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते में खत्म हो जाए। और इसमें जो है वो आपने जितना अमाउंट डाला है उससे भी ज़्यादा, मतलब आपका पूरा अकाउंट खाली होने के बाद भी आपको आपका ब्रोकर बोलेगा कि भाई और पैसा जमा करो क्योंकि आपका अकाउंट खाली हो गया है, आपका अकाउंट वाइप आउट हो गया है पूरा। तो दिस इज़ वेरी वेरी रिस्की। तो गाइज, आप सबसे पहले शेयर बाइंग में ही सिर्फ देखें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, फिर उसके बाद आप शॉर्ट सेलिंग ट्राई करें, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा फ्यूचर ट्राई कर सकते हैं। फ्यूचर को स्किप भी करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, सीधा ऑप्शन पे आ सकते हैं और ऑप्शन में ट्राई करें कि सिर्फ आप इंट्राडे ही ट्रेड लें पहले, और वो भी बाय साइड ट्राई करें।
बाय साइड वेरी शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेड्स। एक्चुअली मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है फ्यूचर्स ऑप्शंस एंड बाइंग पे, जो बेसिक है समझने के लिए, तो वो आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर से। एंड दैट्स इट गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।